हेलो एवरीवन, संडे की गुड मॉर्निंग। और ये जो नोटिस है ये कल ही आ गया था, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। देखो, आप लोग मेरिट के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, पहली मेरिट लिस्ट आएगी 8 तारीख को, और इसके जो सत्यापन की विधि सॉरी तिथि है वो है 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, यानी आपके पास सिर्फ 3 दिन है। दूसरी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 18 तारीख को आएगी, और तीसरी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी 22 तारीख को। और यहाँ पर आपकी डेट दी हुई है कि आप कब, जो ये वाले डेट वाले इसी दिन जाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट पूछते हैं, मैम कि हमारा फर्स्ट लिस्ट में आ गया है और हम 15 से लेकर 17 तक नहीं जा पाए हैं, क्या हम दूसरी वाली मेरिट लिस्ट वाले उसमें जा सकते हैं टाइम में? तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको उसी डेट में जाना है, गिवन डेट में, आप दूसरी डेट्स में नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि अगर आप निर्धारित तिथि और समय अवधि के बाद के मतलब बाद प्रवेश लेने की कोशिश करते हैं तो आपके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। अब टाइम जो रहेगा वो रहेगा 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, और कहाँ जाना है, और आपको स्वयं उपस्थित होना है। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं मैम किसी और को भेज सकते हैं, तो वो भी नहीं है। यहाँ पर दूर शिक्षा निदेशालय, ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आपको जाना है, जो महाराष्ट्र में है। और मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी वगैरह अभी यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्या क्या लेके जाना है आपको। और दिशा निर्देश दिए हैं, इसको मैं कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी। अब NCT से आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, NCT से अप्रूव्ड हो जो, और कहीं पर आप कार्यरत हो अभी, ठीक है, आप कहीं प्रेजेंट में पढ़ा रहे हो, उसका आपको प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक पत्र है या उसकी डिग्री है वो भी आपको देनी है। और जिन अभ्यर्थियों ने ई अंक तालिका अपलोड की है उनसे अपेक्षा है कि वे दस्तावेजों की जाँच और छानबीन के समय अपलोड किए गए ई अंक पत्र की विश्वविद्यालय द्वारा जो उसकी मूल कॉपी है, जो ओरिजिनल है, वो आप ले आए। और ये क्रीमी लेयर वाले भाई देख लेना एक बार, ठीक है, जिन्होंने भी PWD या EWS और जाति प्रमाण के मतलब तहत आवेदन किया है, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। और केंद्र सरकार द्वारा OBC जो NCL है उसकी प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होता है, तो यहाँ पर बोला है कि वैध प्रमाण पत्र ही क्या है आपके स्वीकार किए जाएंगे। और अगर आप सोच रहे कि आपने अप्लाई कर दिया है और उसकी रसीद दे देंगे तो वो रसीद यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। EWS प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2024 से मान्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश की दावेदारी से संबंधित दस्तावेज के संदिग्ध या अपूर्ण मिलते हैं या गलती कहीं पाई जाती है तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रवेश आवेदन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था ना, ठीक है, तो प्रवेश आवेदन गलत टाइम पे सीटी बज गई, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी, और प्रवेश आवेदन में अपलोड किए गए जितने भी आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सारे आपको एक सेट फोटोकॉपी का और एक मतलब उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जानी है, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो सिलेक्शन का जो होगा कि कौन सेलेक्टेड है, किसको ये डिसक्वालीफाई करेंगे, उसका जो फैसला है वो ये यूनिवर्सिटी वाले ही करेंगे और वही मान्य भी होगा। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और छानबीन के लिए उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी TA जो होता है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो नहीं मिलेगा। है कि जो फर्स्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा तो फर्स्ट लिस्ट में भी 500 कैंडिडेट्स का नाम आएगा। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 500 है। अब आप बोलोगे मैम सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ऑब्वियसली बात है वो आती ही आती, क्योंकि इसमें काफ़ी कैंडिडेट रिजेक्ट भी होते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ का कहीं और हो जाता है तो इसमें से आउट हो जाते हैं, कुछ के बाद डॉक्यूमेंट का इशूज़ आता है, और खासकर OBC वाले इसमें से आउट होते हैं। तो जो जिनका 1 से 75 जो नंबर होगा लिस्ट में, जब भी लिस्ट आएगी तो उसको, उनको जाना है 15 तारीख को। जिनका भी सीरियल नंबर 176 से 350 होगा उनको 16 तारीख को जाना है, और 351 से 500 जिनका सीरियल नंबर होगा वो 17 तारीख को जाएंगे। टाइमिंग दी हुई है आपको वर्धा यूनिवर्सिटी में जाना है, और दस्तावेजों की जांच के उपरांत जो भी अभ्यर्थी होंगे वो उसी समय जो है अपना जो है मतलब
फीस पेमेंट करके अपना जो है एडमिशन कंफर्म कराएंगे, और उसके बाद अगर आप जाते हैं निर्धारित उसके बाद तो आपका जो है वो प्रवेश नहीं लेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो, ईमेल आईडी गिवन है यहाँ पे और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी गिवन है, उठा ले तो बड़ी गनीमत होगी यार। यूनिवर्सिटी वाले कॉल नहीं उठाते, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बहुत रेयर चांस है कि लग जाए तो कॉल, तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।